Hello guys, welcome to iExamB. My name is Amit and I welcome you all to this video जहाँ पे हम क्या करेंगे IDA Grade A online course का structure देखेंगे and I'll let you know why this course of iExamB is one of the best in the market. तो I hope आप लोगों को पता होगा कि you know IDA has come up with 49 vacancies in the Grade A assistant manager. जिसका लास्ट डे ऑफ एप्लीकेशन इज 28 सितंबर 2024. यू कैन सी हियर इन द लास्ट ईयर आवर सिलेक्शंस हियर, सिलेक्शंस आर क्लियरली मेंशनड हियर. तो आई होप आपको ये सब जानकारी है ऑलरेडी. एंड अगर आप अभी तक भी एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरे हो तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि यू जस्ट डू इट नाउ, डोंट वेट फॉर द लास्ट डेट. तो दिस इज द यू नो एग्जाम पैटर्न फॉर द फेज वन, टेस्ट ऑफ रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यूजली जिसे हम QRE प्लस GA बोलते हैं. तो यू नो द टोटल मार्क्स इज 160, कंपोजिट टाइम यू विल बी गेटिंग 1.5 आवर्स एंड सेपरेट कट ऑफ विल बी देयर, दो दे आर नॉट मेंशनिंग द यू नो व्हाट इज व्हाट सेपरेट कट ऑफ इज गोइंग टू बी. लास्ट ईयर इज यू नो दिस ऑल डिपेंड्स ऑन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन एज वेल. गोइंग टू द डिफिकल्टी एग्जाम ऑफ लास्ट ईयर उन्होंने 25% का सेक्शनल कट ऑफ लगाया था. दिस ईयर इट इज नॉट फिक्सड कि वही 25% होगा. दिस कैन भी 30%, दिस कैन भी 50%, दिस कैन भी 10% एज वेल. इट डिपेंड्स ऑन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जाम. एंड नाउ आई टेल यू वाई यू नो फेज वन इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों? क्योंकि देखो दिस एज सुशील सर ने आपको बोला था कि इन सर्टन यू नो मीटिंग दे हैव डिसाइडेड कि दे विल हायर 90 ऑफिसर्स एंड विद दिस 49 ऑफिसर्स दे मे नॉट हायर इन द कमिंग ईयर्स. सो आपको पता है कि इफ यू आर फ्लंकिंग इन द फेज वन फिर से यू विल हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट ईयर. और इसका नेक्स्ट वाला जो रिक्रूटमेंट शायद कितने साल बाद आएगा हमें भी नहीं पता है. तो यू शुड नॉट बी लिविंग एनीथिंग टू चांस. तो आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप फेज वन जो QRE प्लस GA वाला पार्ट है उसको भी इक्वली उतना इंपॉर्टेंस से प्रिपेयर करो जितना इंपॉर्टेंस आप फेज टू को देने वाले हो. ठीक है, फॉर दैट रीजन फेज वन शुड ऑल्सो बी ऑन योर प्रायोरिटी. सो यू कैन ऑल्सो अवेल 4 p.m. to 7 p.m. flash sale that is, you know, happening today. The batch is starting also today. The first class is today 7 p.m. So, उस हिसाब से you can get flat 50% off by using this particular code. So now we'll briefly show you what are the offerings of phase one. That is pre-recorded lectures. I'll show you किस किस तरह से lectures होते हैं आगे वाले slide पे. But आपको बता देता हूँ. Suppose there are you know concepts आपको पता है कि quants में है. जैसे profit and loss है. या आप मान के चलो टाइम स्पीड डिस्टेंस है. तो इसके लाइव क्लासेस तो होंगे ही होंगे डेडिकेटेडली फॉर IDA. बट इन एडिशन टू दैट यू विल आल्सो हैव प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स जहाँ पे एवरीथिंग इज कवर्ड फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस लेवल के प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको होते हैं. ठीक है, ऑन एवरी टॉपिक इन QRE आपको सारे टॉपिक्स के प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे. इन एडिशन टू दैट अंडर ईच वीडियो, सपोज ये एक वीडियो है जहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस का एक टाइप का कॉन्सेप्ट कर लिए. अंडर ईच वीडियो यू हैव ऑप्शन टू टेक टेस्ट. तो व्हाट एवर कॉन्सेप्ट्स यू हैव डिस्कस्ड इन दैट पर्टिकुलर वीडियो आप वहीं पे चेक कर सकते हो कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ. तो यू विल हैव क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड इन दैट पर्टिकुलर वीडियो. देन प्रैक्टिस एग्जाम लेवल क्वेश्चंस आपको बहुत सारे प्रैक्टिस मिल जाएंगे. प्रैक्टिस के लिए PDFs विल बी अवेलेबल. टेस्ट ऑफ डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल, यू नो बेसिक, बिगिनर टू एडवांस, मॉडरेट लेवल, डिफरेंट डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे. लाइव क्लासेस ऑफ QRE एंड GA विल बी हैपनिंग स्ट्रिक्टली फॉर दिस पर्टिकुलर बैच. लाइव क्लासेस एवरी डे यू विल यू नो हैव लाइव क्लासेस फॉर QRE एंड जनरल अवेयरनेस. सिमिलरली करंट अफेयर्स मैगजीन दैट इज BPDIA मैगजीन, इट इज अवेलेबल इन 3 फॉर्मेट्स. डेली बेसिस में आपका आ जाता है, वीकली आ जाता है एंड मंथली आ जाता है. इन वट एवर फॉर्मेट यू आर कंफर्टेबल विथ यू आर गुड टू गो. तो इसमें क्या है, व्हाई दिस 3 फॉर्मेट्स. सम पीपल आर वर्किंग, वर्किंग प्रोफेशनल्स को वीकली या मंथली ज़्यादा प्रिफर रहता है. सिमिलरली जो यू नो एस्पिरेंट्स हैं, जो फुल टाइम एस्पिरेंट्स हैं, उन्हें वो दे कैन गो फॉर द डेली मैगजीन. सो करंट अफेयर्स मैगजीन एंड इफ यू आर डूइंग करंट अफेयर्स मैगजीन BPDIA, दिस इज गोइंग टू बी सफिशियंट इन एडिशन टू PIB. अगर आप PIB एंड BPDIA कर रहे हो देन इट इज सफिशियंट फॉर द जनरल अवेयरनेस सेक्शन इन योर फेज वन. तो PIB भी क्या है, नोट्स एंड वीडियोज फॉर्मेट में आपको मिल जाता है. In addition to that, whatever concepts, whatever news we have covered in these two sources, in the BPDIA and PIB, you will have questions based on those things. ठीक है, practice questions आपको 1000+ every month का मिल जाएगा. Suppose you are doing 6 months of current affairs, which we always recommend कि आप 6 महीने का current affairs करके जाओ. तो you will have 6000+ questions per practice. तो this is what you get.
देन रिविजन नोट्स भी आपको मिल जाएंगे फॉर योर यू नो एग्जाम, जस्ट बिफोर योर एग्जाम अगर आपको क्विकली देखना है कि वट आर द स्कीम्स दैट वर इन द न्यूज, वट आर द सबमिट्स दैट वर इन द न्यूज, वट आर द रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस दोज वर इन न्यूज, वो भी आपको क्विकली रेडीली अवेलेबल आपको पीडीएफ फॉर्मेट्स में मिल जाते हैं, ठीक है। दीज आर द रिविजन नोट्स। देन 15 फेज वन फुल लेंथ मॉक टेस्ट, जो क्यू आर ई प्लस जे का है, 160 क्वेश्चन, 160 मार्क्स, जो जिस तरह हमने देखा, एंड डिपेंडिंग ऑन द वेरियस डिफिकल्टी लेवल। स्टार्टिंग हम करेंगे जो रियल एग्जाम लेवल का डिफिकल्टी लेवल था 2023 में, उस तरह से स्टार्ट होगा एंड थोड़े मॉडरेट लेवल तक भी हम जाएंगे। तो 15 फेज वन फुल लेंथ मॉक टेस्ट ऑल्सो यू विल बी गेटिंग इन आवर फेज वन ऑफरिंग्स, ठीक है। प्रैक्टिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट हियर, क्योंकि क्यू आर ई आपको पता है कि वंस द कॉन्सेप्ट आर डन विच इज वेरी इजी टू ग्रैस्प, बट उसके बाद अगर यू आर नॉट डूइंग इनफ प्रैक्टिस देन डेफिनेटली यू विल बी लैगिंग बिहाइंड, ठीक है। कॉम्पिटिशन इज गोइंग टू बी रियली हाई दिस ईयर, क्योंकि अवेयरनेस भी ज्यादा है इस बार, वैकेंसी के साथ साथ अवेयरनेस भी ज्यादा है, तो यू नीड टू बी रियली श्योर कि भाई हाँ ये क्यू आर ई जी एम है, आई एम 100% श्योर यहाँ पे और कुछ कोई इशूज नहीं होने वाला है, देन यू अगेन फोकस ऑन द फेज टू प्रॉपरली। तो दीज आर द ऑफरिंग्स यू विल हैव इन आवर कोर्स। तो अगेन आई एम रिपीटिंग गाइस, द बैच इज स्टार्टिंग टुडे, इंट्रो क्लासेस एंड एवरीथिंग आर हियर, तो आप ये कोड यूज करके विद इन दैट विद इन दिस पीरियड 4 PM to 7 PM आप इसका यू नो फायदा उठा सकते हो। देन जो मैंने आपको कहा कि किस तरह से हमारे कोर्सेज में सजाया जाता है ये सारी चीजें, आई विल शो यू नो सपोज आई हैव चूजन दिस प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर, यू कैन सी लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट वीडियोज आते हैं, पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री, इन ईच पार्ट यू कैन सी वन कॉन्सेप्ट इज डिस्कस, ऐसे करके बहुत सारे पार्ट होते हैं, अंडर ईच वीडियो यू विल फाइंड द ऑप्शन टेक टेस्ट, वो कर सकते हो। इसके बाद क्या है, वंस दीज वीडियोज आर डन दीज आर द पीडीएफ्स, ठीक है, सोल्यूशंस के साथ, क्वेश्चन एंड सोल्यूशन, क्वेश्चन एंड सोल्यूशन, ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन पार्ट वन, ये सारे इसमें आपको लगभग 300+ क्वेश्चन मिल जाएंगे हर एक चैप्टर का, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ओनली प्रॉफिट एंड लॉस का यू विल बी गेटिंग 300+ क्वेश्चन विद सोल्यूशन। देन वट वी हैव डिस्कस इन द टेस्ट फॉर्मेट यू विल बी गेटिंग ईजी लेवल, मॉडरेट लेवल, डिफिकल्ट लेवल, दीज प्रैक्टिस क्वेश्चन इन योर कोर्सेज। सो दिस इज हाउ वी हैव यू नो मेड योर थिंग्स, मेड दिस थिंग्स इजियर फॉर यू, एंड दिस इज हाउ वी हैव अरेंज द थिंग्स इन द कोर्स। नाउ वील टॉक अबाउट द ऑफरिंग्स इन द फेज टू। फेज टू के ऑफरिंग्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। आपको पता होगा, आई एम श्योर कि आप नोटिफिकेशन अभी तक देख लिए हो एंड यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ द सिलेबस, जो जो पॉइंट्स उन्होंने मेंशन किया है। तो ईच पार्ट ऑफ द सिलेबस आपको पता है कि देयर आर थ्री पार्ट्स, आपको डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है, ईएसआई बेस्ड इंश्योरेंस है, और एक आपका इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट है, दीज थ्री पार्ट्स। जो ये दो पेपर है, ईएसआई एंड इंश्योरेंस मैनेजमेंट वाला पार्ट जो है, दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑल द एग्जाम्स वी हैड, राइट, जो भी रेगुलेटरी बॉडीज के एग्जाम्स होते हैं उससे बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है ये। तो इस तरह से हर एक पॉइंट, ऑन ईच पॉइंट ऑफ द सिलेबस वी हैव स्टडी नोट्स, ऑल पार्ट्स, कवरिंग ऑल पार्ट्स ऑफ द सिलेबस, ठीक है। जो इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट और इंश्योरेंस इम्पैक्टिंग, सॉरी ईएसआई इम्पैक्टिंग इंश्योरेंस, ये वाला पार्ट का हर एक पार्ट का यू नो स्टडी नोट्स यू विल बी गेटिंग। देन प्रैक्टिस एमसीक्यूज फॉर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी विल ऑल्सो बी गेटिंग। नाउ ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई एमसीक्यूज क्यों दे रहे हैं, इसमें तो बस डिस्क्रिप्टिव होने वाला है। नहीं, प्रैक्टिस एमसीक्यूज फॉर अ रीजन, क्योंकि अगर सपोज कोई कॉन्सेप्ट आप नया पढ़ रहे हो, देर इज एन इंश्योरेंस वाला पार्ट में देर विल बी लॉट ऑफ थिंग्स विच विल बी न्यू फॉर यू, तो वो वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यू कैन चेक दैट थ्रू दीज एमसीक्यूज, ठीक है। देन लाइव क्लासेस बाई एक्सपर्ट्स विल बी देयर, आई विल शो यू हु आर द एक्सपर्ट्स एंड व्हाई आई एम कॉलिंग दीज एक्सपर्ट्स, ठीक है। तो लाइव क्लासेस विल बी देयर फॉर ईच टॉपिक, जैसे हमने क्यूआरई का दिखाया वैसे ही लाइव क्लासेस होंगे। बिफोर फेज वन आप मान के चलो कि 90% ऑफ द फेज टू के कॉन्सेप्ट वाले क्लासेस खत्म हो जाएंगे, फिर फेज टू में अगेन विल बी रिपीटिंग, एंड ऑल्सो मॉक टेस्ट के जो जितने भी मॉक टेस्ट होंगे आपके, उस सारे मॉक टेस्ट के डिस्कशन क्लासेस भी होंगे, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव क्लासेस फॉर ऑल थ्री पेपर्स आई जस्ट शो यू कि भाई जो मॉक टेस्ट होंगे उसके डिस्क्रिप्टिव क्लासेस भी होंगे, विल बी डिस्कसिंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन द मॉक टेस्ट। तो इस तरह से भी आपका एक सिलेबस का रिविजन हो जाता है। मॉक टेस्ट विल बी ऑन रियल एग्जाम इंटरफेस, जिस तरह से एग्जाम इंटरफेस आपको मिलता है, जिस तरह से आप पेपर में पेन एंड पेपर में उस आंसर लिख के उसको अपलोड करोगे, तो उस तरह से आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एग्जाम में क्या होता है, आप पेन एंड पेपर करके सबमिट कर देते हो, यहाँ पे यू जस्ट हैव टू अपलोड, देन यू विल बी गेटिंग योर फीडबैक, जो भी यू नो इवैल्यूएशन जो होगा अगेन एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा होगा, एंड यू विल बी गेटिंग योर फीडबैक ऑन विद इन 3 डेज। सो दिस इज हाउ यू नो द मॉक मॉक टेस्ट इज गोइंग टू बी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आई वॉज टॉकिंग अबाउट यू नो द एक्सपर्ट फैकल्टीज हियर। सो डॉक्टर मनोज पारिक,
विल बी विथ अस थ्रू आउट द कोर्स। तो यहाँ पे मैं एक बता देता हूँ, वाई वी आर कॉलिंग हिम एक्सपर्ट। बहुत ही उम्दा एक्सपीरियंस उनके पास है। ही इज बी कॉम MBA PhD एंड फेलो इंश्योरेंस फ्रॉम इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो बेनेट यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, पहले वो बिमटेक में भी काम कर चुके हैं और इंश्योरेंस इंडस्ट्री में भी उनका अच्छा खासा 20 साल का एक्सपीरियंस है। तो आप सर विल बी टेकिंग लाइव क्लासेस, सर विल बी मेकिंग मॉक टेस्ट फॉर यू, सर विल बी इवेल्युएटिंग योर डिस्क्रिप्टिव आंसर, सर विल बी देयर फॉर यू टिल द टाइम यू अटेंड द इंटरव्यू। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ आई एग्जाम दिस कोर्स। ठीक है, तो ये मैं आपको बता दें ऑफरिंग्स ऑफ फेज टू। नाउ आई विल ब्रीफली शो यू किस तरह से हम ये फेज टू में जितने भी चीजें हैं किस तरह से हम आपको अरेंज करके देते हैं एग्जैक्टली एज पर द सिलेबस। दिस इज द डैशबोर्ड यू विल गेट वंस यू अवेल आवर कोर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो देयर इज अ सेपरेट सेक्शन फॉर द फेज वन फेज टू एंड फुल लेंथ प्रैक्टिस टेस्ट लाइव रिकॉर्डिंग्स एंड रिविजन। इन द इंट्रोडक्शन एंड स्ट्रेटेजी पार्ट यू कैन सी द प्रीवियस ईयर पेपर्स आर देयर। नाउ सपोज आई क्लिक हियर, तो यू कैन सी द प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ बोथ फेज वन एंड फेज टू इन PDF फॉर्मेट्स आर अवेलेबल, ऑल्सो इन द टेस्ट फॉर्मेट्स आर अवेलेबल। ठीक है, ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन स्ट्रेटेजी वाला सेक्शन। अबाउट द फेज वन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, विल टॉक अबाउट द फेज टू नाउ। इन फेज टू द पेपर वन इज डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। तो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में यू कैन सी द सेक्शंस आर देयर, एसे। सपोज आई विल ओपन एसे नाउ, यू कैन सी सम वीडियोज आर देयर। ठीक है, हाउ टू राइट गुड एसे, सम इफेक्टिव कम्युनिकेशन, सम स्ट्रैटेजीज, वट आर द मेजर अप्रोचेस इन द एसे। सिमिलरली इन दिस PDF सेक्शन यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ सैम्पल एसेज, सम पॉइंटर्स, फोटो मटेरियल्स। सिमिलर थिंग्स आर देयर फॉर प्रेसी राइटिंग एज वेल। You know, some videos are there. What are the major things you need to keep in your mind while writing a precis? Similarly, आपके यहाँ पे sample precis writings भी मिल जाएंगे। Then we'll talk about the paper two, that is economic social issues impacting insurance. So we'll open that particular part. So you can see whatever that is there in the syllabus: economy, growth, business cycles, insurance penetration, age structure, utility theory. You know how the age structure is impacting the insurance industry, macroeconomic factors. You know is. हर एक पॉइंट, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द सिलेबस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि द वे दे आर मेकिंग द क्वेश्चंस ना, आपके एग्जाम में अगर 23 का आप क्वेश्चंस देखोगे, दे आर ट्राइंग टू कवर द मैक्सिमम पार्ट ऑफ द सिलेबस इन देयर क्वेश्चंस। तो कोई एक पार्ट भी आप छोड़ के नहीं जा सकते, यू विल हैव टू कवर एवरीथिंग दैट इज मेंशनड इन द सिलेबस। तो फाइनेंशियल इंटरकनेक्टेडनेस, सिस्टमेटिक एंड कंसेंट्रेशन दिस, व्हाट आर दिस, सो इसके ऊपर सारे आपको स्टडी नोट्स मिल जा रहे हैं। ठीक है, स्टडी नोट्स मिल जाएंगे। इन एडिशन टू दैट वील ऑल्सो हैव लाइव क्लासेज बाई एक्सपर्ट फैकल्टीज ऑन दीज पार्ट्स। ठीक है, जितने भी पार्ट्स हैं इसके स्टडी नोट्स मिल गया। वंस यू आर डन विद द स्टडी नोट्स यू कम टू द लाइव क्लास, वील हैव डिस्कशंस। अगर कोई डाउट्स है यू कैन आस्क इन द लाइव क्लास। ठीक है, देन वील टॉक अबाउट द नेक्स्ट पेपर, दैट इज पेपर थ्री। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर थ्री में देखो दो पार्ट्स हैं, इंश्योरेंस है एंड मैनेजमेंट है। तो फर्स्ट पार्ट इज इंश्योरेंस। आप देखोगे वंस यू ओपन अगेन द इंश्योरेंस पार्ट, वट इज देयर इन द सिलेबस, हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस, IDA, इंट्रोडक्शन हिस्ट्री, प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस आर द बेसिक्स ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट, कोरोलरी प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, लीगल फ्रेमवर्क क्या क्या है हमारे कंट्री में, फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, ये सब सारी चीज़ों का अगेन यू विल बी गेटिंग द PDFs। ठीक है, तो ये सारे PDFs मिल गया, अगेन यू हैव लाइव क्लासेस। सिमिलरली once you are going to this phase 2, paper 3, part 2, that is your management. Again, management में भी आप देखोगे, these are the chapters, management, nature, process, management का process, sorry, nature and scope, management process, leadership, human resource development, performance appraisal, motivation, everything is covered through videos, PDFs and questions, MCQs. दो आपके MCQs नहीं आएंगे, लेकिन for your conceptual clarity, आप हमें बहुत सारे MCQs यहाँ पे हम दे रखे हैं। In addition to that, जैसे कि मैंने आपको कहा था offerings के वक्त, सपोज यू आर इंश्योरेंस वाले पार्ट में आप हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो टेस्ट वाला सेक्शन खाली है। इन द कमिंग वीक्स विल बी अपलोडिंग लॉट ऑफ टेस्ट हियर, जस्ट टू चेक योर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, कि भाई हाँ आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी इस पर्टिकुलर टॉपिक में है। सपोज आप प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस कर रहे हो, इसके ऊपर बहुत सारे MCQs करिए, तो नाउ यू आर कॉन्फिडेंट एनफ कि हाँ दिस पर्टिकुलर पार्ट इज कवर्ड। तो हियर यू विल बी गेटिंग द फुल लेंथ प्रैक्टिस टेस्ट, जो भी फेज वन एंड फेज टू के जो टेस्ट होंगे, मॉक टेस्ट होंगे, यू विल बी गेटिंग हियर। ठीक है, तो यहाँ पे मिल जाएंगे। And all the live classes which we'll have on daily basis में जो live classes होंगे, suppose for some reason you missed any classes, don't worry about it, you will have the live class recordings in this particular section. ठीक है, in addition to that, this is a revision section, this is also very important. Just before your exam क्या होता है ना, बहुत सारे students panic हो जाते हैं कि मुझे क्या क्या चीज़ें देखनी है,
तो वट एवर दैट इज इम्पोर्टेंट, जो हमें लगेगा कि हाँ एटलीस्ट एग्जाम से 2 दिन 3 दिन 5 दिन पहले ना आप ये चीज़ों को एटलीस्ट और एक बार देख के चले जाओ, विल हैव दोज थिंग्स असाइंड इन दिस पर्टिकुलर रिविजन सेक्शन, ताकि आपको क्विकली मिल जाए, आप क्विकली रिवाइज कर लो एंड यू आर अप फॉर द एग्जाम. सो दिस इज हाउ वी हैव यू नो अरेंज्ड थिंग्स इन आवर कोर्सेज फॉर फेज वन एंड फेज टू. तो आई होप इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिल गया होगा कि किस तरह से हम चीज़ों को यहाँ पे असाइन कर रहे हैं, चीज़ों को किस तरह से सजा के दे रहे हैं आपके लिए फॉर योर ओन कम्फर्ट. सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल. दिस इज अमित, थैंक यू.